माध्यम से जी सब जानने पर ही आई हूँ। कैसा लगा आपको चित्रकूट में? बहुत अच्छा जी, हमारी इच्छा है रहने का यही रह जाए, लेकिन गृहस्थ में फंसे हुए हैं तो वापस लौटना है, लेकिन इच्छा नहीं होती है। कहीं धार्मिक स्थल पे जाती हूँ तो मन करता है कि यहीं रह जाऊँ। जी जी, अब बहुत हो गया, अब बस प्रभु के शरण में रहना है। जी जी, लेकिन संभव नहीं है वो चीज। वही बात है, वही जी जी जी, संभव नहीं है। लेकिन जी सर, आपका सफर यहाँ देखना, सफर बहुत अच्छा रहा। बस महाराज जी के यहाँ आना था, गुरु दीक्षा भी लेना था। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से आपको कॉल भी किए थे हम। जी जी, रास्ता मालूम है, आपने जो रास्ता बताई उस हिसाब से कहीं पूछना नहीं पड़ा, बड़ा अच्छा आपने गाइड किया हम, और यहाँ पर हम महाराज जी के पास पहुँच गए। आपको वीडियो को ही केवल रास्ता देख के किसी प्रकार की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, के सामने नहीं करना पड़ा, कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं। चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, आज हम चित्रकूट के मंदाकिनी के किनारे और रामदास महाराज जी की कुटिया में आए हुए हैं, और बहुत से लोग दूर दूर से महाराज जी से गुरु दीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो देख सकते हैं महाराज जी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनवा दिया है, और जो यहाँ पे पहले उबड़ खाबड़ था, नाला टाइप था, उसको बराबर करवा के यहाँ पे देखिए अच्छा कर दिए हैं, और यहाँ पे बोर भी हो गया, पानी की भी व्यवस्था हो गई है। पहले पानी लेने के लिए नीचे मंदाकिनी में जाना पड़ता था, लेकिन अब यहीं पर बोर हो गया है। बहुत जल्द यहाँ पर नल लग जाएगा और आपको पानी भी यहीं मिलेगा, और चार पहिया भी आराम से कुटिया तक आ जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो आ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आइए, महाराज जी से मिलिए, सत्संग सुनिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों तक यहाँ के चित्रकूट के बारे में जानकारी पहुँच सके और लोग यहाँ पर आ सकें। और आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे लिए, और प्यार देते रहिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए आगे, ताकि हम आप लोगों के लिए चित्रकूट के अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें और साधु संतों के दर्शन करवा सकें। बने रहिए आप हमारे साथ, अभी गुरु जी के पास चलेंगे और उनसे कुछ बातें करेंगे, सत्संग भी लेंगे। तो आइए चलते हैं, बने रहिए आप। कैसा लगा भैया आपको चित्रकूट में? चित्रकूट हम लोग आप ही के चैनल के माध्यम से जी जी यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद आज आप ही के सौजन्य से हम लोग यहाँ महाराज गुरु जी तक पहुँच पाए हैं। जी जी, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज ऐसा समय है एकादशी का जी, कि संयोग से हम लोग इस दिन यहाँ पधारे हैं जी, और गुरु जी के साथ में सत्संग मिला है हम लोग को, जो लॉन्ग लाइफ हम लोग को जो है याद रहेगा। जी जी, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी, वैसा धर्म का जो ज्ञान आज हम लोग को प्राप्त हुआ है जी, जी इस पावन धरती चित्रकूट पर जी, हम लोग अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर आ पाए, और गुरु जी के समक्ष आज हम लोग को जो गुरु दीक्षा प्राप्त हुई है जी, इसके लिए कोटि कोटि नमन है गुरु जी को जी जी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, कि आपने जो अपने माध्यम से यूट्यूब पर चलाया है गुरु जी का, और उसके माध्यम से हम लोग यहाँ सब परिवार पहुँच पाए जी, और इसका लाभ उठा पाए। तो भैया काफ़ी लंबा सफ़र करके आप आए, तो किसी प्रकार हाँ, मैं तो रांची से आया हूँ जी, काफ़ी लंबा सफ़र रहा, मगर यहाँ आने के बाद सफ़र की थकान पूरी तरह से ख़त्म हो गई जी जी। ऐसा लग रहा है कि सफ़र का जो भी हम लोग का ये रहा एक्सपीरियंस, वो यहाँ आने के बाद एकदम से मतलब समझिए कि कोई थकान तो रहा ही नहीं जी जी, एकदम धन्य हो गए हम लोग जो हम लोग आज प्राप्त किए हैं जी जी। विगत इतने सालों से हम लोग जो अध्यात्म से जुड़े थे, मगर वैसा अनुभूति आज तक नहीं हुआ जी जी, जो हमको यहाँ पर गुरु जी के माध्यम से यहाँ प्राप्त हुआ है जी, और हम लोग इसको अपने आप को बहुत बड़ा कृतज्ञता के साथ सभी समझ रहे जी जी, हम लोग जो है आगे गुरु जी के शरण में रहेंगे और उनके मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करेंगे जी जी, और आगे प्रभु इच्छा जैसी। अब तो आप सदस्य हो गए, अब तो आप आते रहेंगे। बिल्कुल, अब तो आना जाना होता ही रहेगा जी जी, और मैं फिर से आप लोग को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया है जी जी, और उसके आप लोग भी बहुत भागीदार हैं, बहुत बड़े भागीदार हैं जी जी। आप लोगों के कारण ही संभव हो पाया है कि हम यहाँ पहुँचे जी, और मतलब सोच के भी जो नहीं आई थी, बस मन में था कि अच्छा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं जी, लेकिन जो गुरु जी ने दक्षिणा दिया तो मैं आके धन्य हो गई चित्रकूट। अच्छा अच्छा, आप इससे पहले चित्रकूट आई हैं कभी? नहीं, पहली बार नहीं, नहीं आई। अच्छा अच्छा, आई तो अपने भाई साहब के माध्यम से ही। अच्छा अच्छा, आप लोगों के माध्यम से जी सब जानने पर ही आई हूँ। तो कैसा लगा आपको चित्रकूट में? बहुत अच्छा जी, हमारी इच्छा है रहने का यही रह जाए, लेकिन गृहस्थ में फंसे हुए हैं
तो वापस लौटना है, लेकिन इच्छा नहीं होती है कहीं धार्मिक स्थल पे जाती हूँ तो मन करता है कि यहीं रह जाऊँ। जी जी, अब बहुत हो गया, अब बस प्रभु के शरण में रहना है। जी जी, लेकिन संभव नहीं है वो चीज। वही बात है, वही। जी जी जी, संभव नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मतलब धन्य जो कहते हैं ना कि हो गई, वही आके लग रहा है कि धन्य हो गई यहाँ आके। बस आपको यहाँ पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, अपना चित्रकूट तो पहाड़ी एरिया है पूरा। श्री राम का चरणों में रहने का मन कर रहा है। जी देखिए दोस्तों, जी जी, तो सब लोगों ने गुरु दीक्षा ले ली? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। संस्कार हम लोगों ने देने का काम किया है। जी जी, बचपन से ही हमारे घर के पूरे फैमिली ने लिया है। जी जी, और आगे भी यही संस्कार हम चाहेंगे कि हर लोग जो वैष्णव है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो बचपन से ही अपने फैमिली में धर्म के लिए आगे बढ़े और लोगों को ईश्वर आगे करें। बिल्कुल, हम लोग क्या करते हैं, अपने तो धर्म की यात्रा में जहाँ तहाँ सारे जगह घूम लेते हैं, जी, और बच्चों को संस्कार देने का काम हम लोग नहीं करते हैं। सही, ये हम लोग को आगे बहुत करने का जरूरत है। जी, इससे हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। जी, जी, इससे हमारे धर्म के मेल में लोग जागरूक होंगे। जी, और उसको सनातन को हर घर में जगाना और जानना जरूरी है। जी 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 जी, सनातन धर्म की जय, श्री राम की जय। और तिलक तो जरूर लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तिलक हमारा श्रृंगार है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तिलक हमें हमेशा धारण किए रहना है। जी जी जी, थैंक यू। सर आपका सफर यहाँ देखना चाहिए? सफर बहुत अच्छा रहा, बस महाराज जी के यहाँ आना था, गुरु दीक्षा भी लेना था। अच्छा अच्छा, तो इस वजह से आपको कॉल भी किए थे हम। जी जी, रास्ता मालूम है, आपने जो रास्ता बताई उस हिसाब से कहीं पूछना नहीं पड़ा, बड़ा अच्छा आपने गाइड किया हमको, और यहाँ पर हम महाराज जी के पास पहुँच गए। आपको वीडियो को ही केवल रास्ता देख के, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं के सामने करना पड़ा, कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जैसे आपने बताया वो मंदिर है, मंदिर के ठीक सामने रास्ता है और कच्ची रास्ता चले जाइए, तो वीडियो में देख ही लिया था कि वो थोड़ा सा ऊंचाई पे महाराज जी की कुटिया है। अब तो बराबर कर दिए। हाँ, तो बस सीधे महाराज जी के कुटिया पे ही आ गए। तो आज गुरु दीक्षा लेनी है जी से। तो आप जहाँ पे कल देखते थे वीडियो में, वहाँ पे आप मौजूद हैं आज की डेट में। हाँ, वहाँ पे आज हम मौजूद हैं। लगन थे ना, लगन। बड़ी प्रसन्नता है कि महाराज जी से मुलाकात हो गई और एक सच्चे गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु के दर्शन हुए और गुरु दीक्षा लेने का मौका मिला है। हम अपना भाग्य ही समझेंगे। स्थान में आके आपको कैसा महसूस हुआ? स्थान में आके हमें बड़ी शांति महसूस हो रही है और लग रहा है कि हम यहीं पर भजन करने लगे। अच्छा, पर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि महाराज जी खुद नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई रहे, पर यह है कि यहाँ शांति चित्रकूट में बहुत मिलती है और यहाँ पर आने के बाद जाने की भी इच्छा नहीं होती। जी जी, लेकिन वो कुछ है, हम लोग घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, इस वजह से वहाँ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने तो जाना ही पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, पर ऐसा लगता है कि भविष्य में जो है ना, अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के ध्यान साधना या भजन जो भी है यहाँ पर चित्रकूट में ही करें, ऐसी इच्छा है। जी जी, जो प्रभु की इच्छा होगी। तो महाराज जी से आपकी मुलाकात हुई तो हाँ, कैसा लगा महाराज जी से बात करके? से मुलाकात हुई, वीडियो देखे थे, मुलाकात अच्छा लगा। जी जी, और महाराज जी अभी देखने गए थे, हम समय देंगे। जी जी, दीक्षा भी आज ही लेनी है, कल बातचीत हो गई थी महाराज। जी जी, आप आइए, अभी अंदर किसी को दे रहे हैं तो इसके बाद हो सकता है हमारा नंबर आए, खराब ना हो जाए। इच्छा देने के ही उद्देश्य से आज हम पूरी तैयारी से आए। जी, और आपका वीडियो देख के ही महाराज जी से संपर्क किया था, महाराज जी से कई बार बातचीत भी हो चुकी है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत यहाँ पर बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा, आप तीनों लोग कानपुर से? कानपुर से हम लोग तीन लोग हैं। अच्छा अच्छा, वैसे तो हम लोग हर मतलब महीने दो महीने में आते हैं, तो दो चार पाँच दिन रुकते हैं चित्रकूट, यानी आप हमेशा आते रहते हैं? हमेशा आते रहते हैं, आज 15-20 साल से आ रहे हैं। जी जी जी, तो जब आते हैं तो यहाँ पर हम रुकते हैं दो चार पाँच दिन। जी जी, एक रामघाट में राम धाम बड़ा मंदिर है। जी जी, वहीं पर हम लोग रुकते हैं और वहीं पर रुक के फिर परिक्रमा करना, जहाँ भी घूमने जाना है। जी जी, वो सब करते हैं। तो इस बार आप संतों के दर्शन के लिए निकल? हाँ, इस बार आज जो है ना महाराज, विशेष महाराज जी, जी जी से मिलने की इच्छा थी और गुरु दीक्षा लेने की। जी जी, क्योंकि वो वीडियो ही इतना हमें प्रभावित किया हमको, उनके तत्व ज्ञान को,
उसके कारण से हमें यहाँ पर आना पड़ा और आने के लिए बिल्कुल काफी हम जो है ना उत्सुक थे। अच्छा अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी, और देखिए स्थान देखिए जंगल में तो बीच में तो है ही है। अरे जंगल में है तो ऐसी ही जगह तो मंगल होता है जी, जहाँ जंगल होता है वही मंगल होता है, कहावत सही बनी है। हाँ, जंगल में ही मंगल है सच देखा जाए। अगर जीवन में शांति चाहिए, जी जी, किसी को भी शांति चाहिए अगर जीवन में, तो ऐसी जगह शांत पूर्ण वातावरण में जहाँ पर कोई कोलाहल ना हो, वहीं पर ध्यान भजन साधना भगवान का नाम हो पाता है। जी जी, ऐसी बिजी जगह में तो हो नहीं पाता है, डिस्टरबेंस होता है, इसीलिए महाराज जी ने ऐसी जगह चुनी है बिल्कुल, कि जहाँ पर कोई आए ना जाए हम अपने ध्यान साधना में लगे रहे। जी जी, नहीं तो महाराज जी क्यों यहाँ पर आते? तमाम आश्रम थे वहाँ महंत बना दिए गए थे, वहीं पर रहते। जी जी, अब देखिए बड़े बड़े शहरों से आप लोग हाँ वहाँ से चल के यहाँ चित्रकूट में आए हैं, जंगल में चित्रकूट अपना। देखो हम कानपुर से आए हैं। जी जी, भाई साहब राजस्थान से आए हैं, वो रांची से आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप सोचो महाराज जी में कुछ तो ऐसा वीडियो में देखा होगा जिसके कारण से ऐसी जगह पर ढूंढ के आप लोगों की हेल्प लेके और आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा महाराज जी में जिसकी खोज में आप लोग भी आए। हाँ, वो जो खोज थी जी, वो खोज जो हम लोगों को थी वो मिल गया, यानी कुछ जानने की चाहत होगी तभी तो आए होंगे। जिज्ञासा थी, जिज्ञासा जो असली तत्व ज्ञान है वो महाराज जी ने जो वीडियो में बताया उसी से तो हम लोग प्रभावित होकर यहाँ पर आए कि हमें सच्ची गुरु ऐसे ही चाहिए थे, और आज जो हमको मिल गए और गुरु दीक्षा लेने का भी आज मौका महाराज जी ने दिया। जी जी, तो महाराज जी ने आपको प्रसाद भी दिया। हाँ, महाराज जी ने प्रसाद दिया, चाय पिलाई महाराज जी ने, वो प्रसाद के रूप में हम लोगों ने किया, अच्छा लगा। और जो है नहीं चाहते हुए भी महाराज जी ने किया, उसको अस्वीकार भी तो नहीं कर सकते, वो प्रसाद के रूप में तो लेना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी की कुटिया में जो कोई आता है तो जाता नहीं है खाली हाथ, कुछ ना कुछ उससे जरूर आएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ। अरे वो तो कृपा है। जी 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 जी, तो प्रभु की कृपा है। जो आपको भैया कैसा लगा? भैया बहुत अच्छा लगा जी, और भैया साथ में आए थे, इन्होंने दिखाया था वीडियो हमको, तो हम भी चलेंगे। हम तो दूर करीब बहुत जगह हो जाए भैया। अच्छा अच्छा, हाँ आप तो पूरा इंडिया भ्रमण कर चुके हैं। हाँ, पूरा इंडिया घूम चुके हैं, चाइना तक जा चुके, कैलाश मानसरोवर जा चुके। अच्छा, 51 सिद्धपीठ में 40 कर चुके हैं, ब्रज ज्योतिर्लिंग और पांचों चार धाम है, चार धाम कर चुके हैं। जी जी, केदारनाथ बद्रीनाथ जा चुके हैं, भाई मोटरसाइकिल से गए हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल से, काफी लंबा सफर है जी हम लोग को। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लगभग बहुत जगह इंडिया जा चुके हैं, तो बाइक से यानी काफी पहले आप गए रहे होंगे? हाँ, करीब 8-10 साल हो गया। जी जी, हम दोनों भाई गए थे, दोनों और दो लोग दोस्त लोग गए थे। जी, दो पहिए कानपुर से गए थे। कितने किलोमीटर? अरे भैया पता ही नहीं, सब दोस्तों के साथ निकल लो बस हो गया। जहाँ जहाँ ढाबे में रुके, खाना ना खाया, हमें सो गए, सुबह नहाए तो फिर चल दिए, मौज मस्ती जाते थे। सही, घूमते कितने दिन गए भैया? याद भी नहीं है कितने कितने दिन। 500 फीटों पर आते थे, ऊपर चढ़ते थे, फर्स्ट गियर में गाड़ी चढ़ती थी, फिर खत्म जाता था। फुल चढ़ाई है वहाँ पर, रिवांडा गाड़ी थी मोटर के लिए, रिवांडा। सही है, जहाँ मनाया फोटो खींच रहे हैं, रुक गए। 500 में पहले 10 लीटर मिल जाता था। तो चमोली जंगल था। अच्छा अच्छा, वहाँ से निकले तो हम आराम चले जा रहे थे। भैया ने कहा यहाँ चीता वगैरह मिलते हैं, शेर वगैरह, पता चलना। तब भैया हमारी हवा निकल गई, यार सामने गिरेगा के। हेलो जी, तो आज दोपहर में निकले थे, 40 किलोमीटर जंगल है भैया पूरा, हर जानवर वहाँ पे रहते हैं। जी जी, हम लोग मोटरसाइकिल निकले थे। जी जी, और ये लक्ष्मण झूला आया उससे मोटरसाइकिल निकले थे हम लोग, याद है बहुत, 10 साल हो गया होगा कम से कम। जी, तो पता ही था। और ये जगह चित्रकूट हम लोग आते हैं बहुत, 15-20 साल से आ रहे हैं। जी जी, सुकून मिलता है भैया जी, और ये तो जगह और अच्छी है। जब हम यहाँ पे आए तो हमको लगा था कि सही जा रहे हैं। जी जी, जब आप रास्ते में आ रहे थे तो किसी प्रकार का डर भय तो नहीं लगा? नहीं, कुछ डर नहीं लगा, ये लगा था कि कोई नई जगह जा रहे हैं और सही जा रहे हैं। इनसे हमने कहा था जी कि एकदम सही जा रहे हैं भैया। कुछ दूर आप चले होंगे तो लगा होगा कि यार कहाँ जा रहे हैं। ये तो जान के देख, सन्नाटे पे है कहीं, ये तो जो बात है। नहीं नहीं, और अंधेरे में तो और डर लगेगा यहाँ पे। जी जी, अभी तो रास्ता बन ही गई है, नहीं पहले तो एकदम नहीं। बहुत से लोगों को जैसे हम लोग ले जाते हैं, हाँ तो नए एरिया आने, नए जैसे वो लोग आधा एक किलोमीटर अंदर जाएंगे तो फिर पुराने आदमी, धाकड़े आदमी है तो हम लोग, उसके बाद उसकी हिम्मत टूट जाएगी, क्योंकि इतना सन्नाटा है ना, और जब शाम टाइम तो और नहीं आ पाएगा।
अंधेरे में कैसे आएगा? अंधेरे में नहीं आ सकते हैं। और पानी वगैरह गिर जाएगा तो आ नहीं पाएगा, बदल नहीं आ पाएगा। पानी गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा तो फिर नया एरिया तो नया आदमी तो आने दिक्कत मिलेगी भैया। ऊंचा खाली रास्ता, हम लोग जैसा घूमे घामे हैं तो अपने गैस दिमाग लगा घूम के आ गए, एक बार वहाँ गए थे। जी जी, आम आदमी नहीं आ पाएगा भैया। और भगवान राम जी का है, हमारे पापा हम बहुत छोटे छोटे थे तो राम 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 करके मतलब दो दो बजे तक रात को राम 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 क्या करते थे। जी जी, भगवान ने फिर मिला दिया यार। बिल्कुल बिल्कुल, राम जी उसमें आ गए। राम से बड़ा कोई नाम ही नहीं है, अच्छी चीज़ है। सही है, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बस आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, अच्छी चीज़ है। आप अंकल जी कुछ बोलेंगे, आपको यहाँ पे कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा, हम सब तिवारा आए हैं। अच्छा, तिवारा आए हैं, चित्रकूट आए, तिवारा यहाँ पहली बार आए। अच्छा अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो पहली बार सभी कोई आए, इससे पहले आप संतों के स्थान में गए चित्रकूट में? कभी नहीं, कहीं नहीं गए, नहीं, पहली बार यहाँ आए। जी हाँ, हमें बहुत शांति मिली यहाँ। अच्छा अच्छा, आप भी गुरु दीक्षा लेंगे? हाँ बिल्कुल लेंगे। चलिए, तो आपको आना जाना बना ही रहे, ऊपर वाले कृपा होगी, आप तो आप सदस्य हो जाएंगे यहाँ के। गुरुदीक्षा लेने के उद्देश्य से नहीं आए थे, घूमने के उद्देश्य, लेकिन चूंकि हमारा प्रण था कि हमें गुरुदीक्षा लेनी है महाराज जी के यहाँ जाके, तो कल अचानक शाम को इनका जो है प्रोग्राम बना कि यार हम भी गुरुदीक्षा लें। जी जी, तो हमने कहा ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम्हारी भाग्य है, एक अच्छे संत मिल रहे हैं राम नामी, और अगर इच्छा है आपकी अंतरात्मा से तो आप चल के ले सकते हो। बिल्कुल, इन्होंने शाम को ही प्रोग्राम बनाया अपना, जो भी अपना करना था, फल मिठाई वगैरह लिया और बोले चलो हम भी आज ले लेंगे। तो हमने कहा ले लो भैया राम नाम, अब अच्छे लोगों की गुरुदीक्षा बहुत कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है कि अपना ये भी हमारे साथ में गुरुदीक्षा लेने के लिए ही उद्देश्य आए हैं। तो अभी तो आप जीतपुर में रुकेंगे? हाँ, दो चार दो चार दिन हम लोग रुकेंगे। जी, जब आते हैं तो दो चार पाँच दिन रुकते ही है, लगभग कोशिश यही कर। अंकल जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, मैं तो पहली बार चित्रकूट आया हूँ। अच्छा, पहली बार आया? हाँ। अच्छा, और यहाँ भी पहली बार ही आया हूँ। अच्छा अच्छा, आपके तीन चार वीडियो देखे, उससे काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ। जी जी, चित्रकूट तो वैसे ही इंटरेस्टिंग जगह है। जी जी, कुछ और भी वीडियो देखे जिससे ज्ञानवर्धन हुआ। अच्छा, हम लाए भी नहीं। जी जी जी, आपका सफर कैसा रहा अंकल जी? सफर अच्छा रहा, नॉट बैड। अब ये तो देखो, सफर में तो मजा आता ही है। आज आपकी ट्रेन लेट थी? ट्रेन कर एक घंटे लेट, आधे घंटे से भी ज्यादा लेट। जी जी, छह बजे आ जाती लेकिन सात बजे आई फिर शायद। हाँ, सात बजे आई। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये आगरा में लेट कर दी इसको। जी जी, एक नई ट्रेन चलाई ना वहाँ से, भोपाल से दिल्ली। जी जी, उसके चक्कर से। तो ये हम जब आप आए हैं तो रहने वहने की बड़ी व्यवस्था हो गई है? हाँ, वही रामघाट तो नहीं है। जी जी, रामघाट के दर्शन किए। इतनी देर में आपके साथ आना था। जी जी, संयोग बस नहीं आ पाए। नहीं नहीं, तो मिल तो गए। हाँ, मिल तो गए। आपको पहुंचाना था वहां तक पहुंचा। सही बात, असली मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल, वो आपने ही पूरा किया, हम तो आगे निकल गए। अब मुझे अंदाज नहीं था, टाटी घाट का याद था, तो ये उसी हिसाब से चल रहे थे। फिर एक दो जगह पूछा, एक संत जी ने कहा नहीं आप गलत आ गए, वो धोबी घाट पे रहते हैं। जी जी, फिर मैंने फोन किया। जी, फिर आप आई गई बात। तो अंकल जी, अभी आप कितने दिन हैं यहाँ पे चित्रकूट में? मैं कल निकल जाऊँगा। कल निकल जाएंगे, तो आप भी गुरु दीक्षा लेने आएंगे महाराज जी से? कि दोनों ही पर्पज है, चित्रकूट के दर्शन भी और गुरु दीक्षा भी। जी जी, और मैं ऑलरेडी दीक्षित हूँ। जी जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, वो कुछ नहीं, जानकारी लेना चाहता हूँ। जी जी, तो आपको ये स्थान कैसा लगा? बहुत अति प्रिय। आप तो बहुत बड़े शहर से आए हैं? नहीं, शहर में मैं रहता हूँ, पर मैं शहर का हूँ नहीं, मैं रहता ग्रामीण क्षेत्र में ही हूँ। जी जी, निवास स्थान मेरा शहर में भी है, मजबूरी है, वहाँ भी रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी मैं किसान का बेटा हूँ। जी, खेती करता हूँ। जी, जंगल में ही रहता हूँ। तो आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, सुकून है? हाँ बिल्कुल, अपने गांव जैसा लग रहा है, उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी जी, यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। जी जी, मेरे गाँव में पॉल्यूशन है, 6 लेन हाईवे पे है। जी जी, दिन रात जबरदस्त ट्रैफिक। अब अपना चित्रकूट तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। हाँ, एक तरफ बस खाली है, पॉल्यूशन फ्री एरिया है। जी जी, अब हमारे वहाँ जो है पानी नहीं है।
जी जी पानी की बड़ी प्रॉब्लम है राजस्थान में। जी जी यहाँ पानी, यहाँ मंदाकिनी का पानी है। अब देखिए ये पानी पत्थरों से निकलता है, इसका जो स्रोत है पत्थर ही है, पेड़ों की जड़े हैं, वहीं से पहाड़ से पानी, पहाड़ से पानी अनवरत, ये हमेशा बारह महीने निकलता रहता है, बारह महीना, बारह महीना ऐसे निकलता रहता है। और ये जो है माता अनसुईया जी की तप का बल है, ये चित्रकूट तक ही पवित्र है, ये फिर आगे तो नहीं, आगे गंगा जी में मिल गए हैं और राजापुर में वो जमुना जी में मिल गए। नहीं नहीं नहीं, चित्रकूट से बाहर निकलने के बाद इतना शुद्ध नहीं है, चाहिए एकदम पूरा जीवन में तो चित्रकूट ही है, इसके अलावा कोई स्थान नहीं। अंकल जी आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? ठीक कहते हैं कि पूरा जीवन चला गया, चित्रकूट में आप पहले से आते रहे होंगे? पहली बार, जानकारी है वो तैयारी बना ले, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए अब तैयार, अब यहीं रहेंगे आप, जब लास्ट समय आता है तो चलिए तो आता जाता रहूंगा, लेकिन ज्यादातर यही बुलाते हैं तो कोई तैयारी नहीं, अनायास गुरु जी के साथ ही। अच्छा अच्छा, अब जैसे गुरु जी कहीं चले जाएंगे तब आप यहीं रहेंगे? मैं यहीं। चलिए आपसे तो मुलाकात होती रहेगी, हम तो आते जाते ही रहते हैं, क्योंकि गुरु जी जाएंगे 21 को 20 को जी जी शाम को जी 20 अप्रैल को जाएंगे दिल्ली होते हुए अम्बाला जी जी अम्बाला से फिर आगे जाएंगे लुधियाना वगैरह जी जी तो फिर उसके बाद फिर मैं ही रहूँगा, मेरे से कह रहे हैं तुम यहीं रुकना, मैं उधर रुकना जी जी। किसी ने बुलाया दोस्तों, महाराज जी आ गए हैं माला वाला पहन के, देखिए महाराज जी दीक्षा दे चुके हैं। अब ये ग्रुप का हो गया, आप पर्सनल ले लीजिए आप एक एक करके। महाराज जी सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं, ये देखिए गुरु दीक्षा लेने के बाद। मोबाइल मेरा है, लो ना, मेरे को भी आ रहा है। बहुत तेज चल रही भाई, अच्छी हम भी पहले इधर उधर जब इन बच्चों के जैसा छोटे रहे ना, तो पूछते थे किसी किसी साधु के पास जाके, भाई कुछ ऐसा मंत्र दीजिए जिसके चलते हम खूब तेज हो जाऊं और क्लास में और ज्यादा टॉप कर जाऊं, पर कोई नहीं बता पाता था, कोई बताया नहीं। हम जानते तो थे कोई ना कोई मंत्र तो होता है जिसके चलते आदमी निकलता है, पर कोई बताता ही नहीं था, और कोई जाने नहीं तो बतावे कैसे। जब हम यहाँ तक आ गया, अब इसे आगे नहीं जाना है, अच्छा। इस माला को यहीं घुमा देना है, घूम जाएगा ये, फिर वहीं से आएगा ये, वो बैक कर देना। हाँ बैक कर देना वहीं, हाँ वैसे करना है। अब यहाँ से जब आएगा ये, तो अब फिर जब यहाँ आएगा तो यहाँ आते आते इसको तुरंत ऐसे बैक कर लेंगे। तो महाराज जी जो ये बीच में है इसको नहीं जमते हैं, नहीं है, नहीं है। उस पद के लिए कामना करना चाहिए जहाँ से जाने के बाद आना नहीं पड़ता है, ये मेन है, ये मेन है, दोबारा रिपीट नहीं था, रिपीट होना। तो इस हिसाब से आप उनको हल्का सा दिग्दर्शन कर दिए, अब तो पुनः आने जाने का गुरु चला गया तो संबंध तो बना ही रहेगा।